अस्सलाम वालेकुम। एजी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज पर तवज्जो दे रहे होंगे। आज से हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं 10th इंग्लिश बी ग्रामर एंड कंपोजिशन में से हैं, टेक्स्ट बुक ग्रामर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, बेटे मैंने आप याद रखें कि मेरे इसके अलावा और भी चैनल्स हैं, वो नीचे कमेंट्स बार के साथ वी का जो निशान है उसमें जो है ना उसका लिंक दिया हुआ है, वो भी देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, मेरे घर के सामने एक बाग है। There is a garden in front of my house. ये बेटे 8 marks का आता है। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। There are many plants and trees in it. बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। Flowers of many colors bloom in the spring season. इनकी खुशबू इधर उधर फैल जाती है, इर्द गिर्द इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज क्राउडेड विद मैन वीमेन, वीमेन होता है ये, वुमेन नहीं पढ़ते, वुमेन एक औरत होती है, वीमेन ज्यादा औरतें होती हैं। वीमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। The people walk about here and there and enjoy themselves. बच्चे बाग में दौड़ते हैं। The children run about in the garden. अब वो यहाँ पर हैं और दूसरे ही लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। Now they are here and the next moment they are on the other corner of the garden. हर शाम को मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। एवरी इवनिंग आई ऑल्सो गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। सेकंड पैराग्राफ है, जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है। In the ups and downs of life, such moments occur when a man totally loses hope. इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। He sees darkness everywhere and his power, और उसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है। And his power of competition comes to an end. ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। It is against the dignity of man. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। Whatever progress the world has made is the result of that determination and perseverance. इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं persistent, साबित कदम को कहते हैं, which Allah Almighty has granted to man. इंसान को चाहिए कि वो कभी हिम्मत ना हारे, मैन बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। The man should never lose hope.
रादर फेस द फेलियर्स मैनफुली। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। अल्लाह अलमाइटी विल सर्टनली ग्रांट हिम सक्सेस वन डे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। एजी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।